आज की वीडियो का बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी जो टीम की शिकस्त है उसको थोड़ा सा डिस्कस करना था। वेल, अफसोस हुआ पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस देखकर जो अफगानिस्तान के साथ मैच खेला गया और उसमें पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई। वेल, होप सो कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छी होंगी आने वाले दिनों में। ऑलराइट जी, आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो कल मैच खेला गया उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से बात की जाए। अगर तो पहले इंग्लैंड के साथ वाइट वॉश और अब वर्ल्ड कप से पहले वार्म अप मैच में अफगानिस्तान के साथ मैच में शिकस्त, पाकिस्तान की टीम के हवाले से बंदा इससे ज़्यादा क्या कहे कि शायद वर्ल्ड कप में जो लोग पाकिस्तानी टीम के साथ ये अपनी तो अक्वात रखते हैं कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप जीत कर आएगी, तो शायद उसे थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहिए, आपको थोड़ा सा कम करना चाहिए कि इस किस्म की तो अक्वात पाकिस्तानी टीम से अभी नहीं रखी जा सकती। हम कह सकते हैं कि वनडे जो है वो बस एक किस्म का तुक्का गेम है कि वनडे अगर आपका लक लग जाता है तो आप उसमें कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वनडे में भी तुक्का लगाने के लिए भी कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई चीज़ जो है वो ज़रूरी है। और जब बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं होगी और आप एक ब्लंडर की एक अजीब किस्म से खेल खेल रहे होंगे कि उसमें कोई प्लानिंग एग्जीक्यूशन नज़र नहीं आ रही होगी, तो डेफिनेटली आपको शिकस्त का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। वेल, हम होप करते हैं कि पाकिस्तानी टीम आगे आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेगी और यकीनी तौर पर करना भी चाहिए क्योंकि कौम की और हम सब की वो जो तवक्कात हैं वो टीम से बहुत ज़्यादा हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीत कर आए, लेकिन उसके लिए पाकिस्तानी टीम को बहुत बहुत हद तक अपनी बहुत सारी चीज़ों को फोकस करना होगा कि कहाँ कहाँ पर जो है वो गलतियाँ आ रही हैं और कहाँ कहाँ पर कमियाँ हैं, उन्हें दूर करना होगा। अब आने वाले मैचेस में ही पता चलेगा कि पाकिस्तानी टीम किस तरह से परफॉर्म करने वाली है अगले मैचेस में। मदन जी, लड़के सारे तो नहीं लेकिन उनमें से अक्सर लड़के नए हैं और वर्ल्ड कप एक्सपीरियंस उनका पहला होगा, सो बेसिकली कुछ प्रेशर भी होता है, कुछ और मामूलात भी होते हैं जो उन्होंने देखने होते हैं अपनी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए या इस तरह से भी। हमारी बहुत सारी नेक तमन्नाएं और ख्वाहिशात उनके साथ हैं कि हम चाहते हैं, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप जीते और हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी टीम को जो है वो कामयाब करे और हम ट्रॉफी वर्ल्ड कप की जो है वो लेकर पाकिस्तान आए, लेकिन उसके लिए हमारी पाकिस्तानी टीम को बहुत मेहनत करना होगी, बहुत बहुत अच्छी प्लानिंग्स और उनके ऊपर उनको एग्जीक्यूट करना, इसकी बहुत ज़्यादा अभी कमी है पाकिस्तानी टीम में जिसको उनको देखना है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आपका मेरा हम सब का लाने के बाद।